नमस्कार, मैं कल्पना सिंह। मैंने काशी हिंदू विश्वविद्यालय से एमए हिंदी की पढ़ाई पूर्ण की है। आज मैं मुंशी प्रेमचंद जी द्वारा रचित गोदान उपन्यास के विषय में कुछ बताना चाहती हूँ। मुंशी प्रेमचंद एक ऐसे उपन्यासकार हैं जिन्होंने उपन्यास का उपयोग समाज और जीवन की आलोचना के लिए किया है। यूं तो प्रेमचंद की प्रत्येक रचना भारतीय जनजीवन के लिए एक आईना है, परंतु गोदान हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। 85 वर्ष होने के बावजूद मौजूदा समय में भी इस उपन्यास की एक अद्भुत प्रासंगिकता है। प्रेमचंद ने जिस गंभीर और मार्मिक नजरिए से गोदान के नेपथ्य से वर्तमान पर जो तमाचा जड़ा है, वह कहीं न कहीं हमारी पूरी व्यवस्था के लिए एक सवालिया निशान है। जिस समय प्रेमचंद इस उपन्यास की रचना कर रहे थे, उस समय भारत ब्रिटिश राज की जंजीरों में जकड़ा करा रहा था। प्रेमचंद एक ऐसे समाज का निर्माण करना चाहते थे जहां भेदभाव के अभिशाप से मानवता पीड़ित ना हो, किसी का शोषण ना हो और आदमी की पहचान संपत्ति या जाति के आधार पर। गोदान 1936 में प्रकाशित और कृषक समस्या पर आधारित एक महाकाव्यात्मक उपन्यास है। इस उपन्यास का केंद्रीय भाव ऋण की समस्या है। इस उपन्यास में समानांतर रूप से दो कथाएं चलती हैं, पहली ग्रामीण, दूसरी शहरी, लेकिन इन दोनों कथाओं में संबद्धता और संतुलन पाया जाता है। ये दोनों कथाएं इस उपन्यास की दुर्बलता नहीं बल्कि विशेषता है। होरी की वेदना पाठकों के मन में एक गहरी संवेदना भर देता है। गोदान की इच्छा लिए हुए वह इस दुनिया से कूच कर जाता है। होरी का मरना इस उपन्यास की विडंबनात्मक परिणीति को हमारे सामने प्रस्तुत करता है। उपन्यास का अंत दुखद है और पाठकों के जहन में कई सवाल छोड़ जाता है। गोदान को जहां न सिर्फ एक उम्दा एवं संवेदनशील कहानी पढ़ने के शौक से पढ़ा जा सकता है, वहीं दूसरी ओर इसमें विकसित की गई विचारधाराएं, नीतियां और आदर्श भी स्वतः ही मन पर छाप छोड़ने में सक्षम है। हो सकता है कि प्रेमचंद के कई विचारों से आप सहमत ना हों, पर उस समय में लिखा गया यह उपन्यास पढ़कर आप निराश नहीं होंगे। गोदान भाषा और कथन की दृष्टि से एक सशक्त उपन्यास है। इसमें प्रेमचंद की कला अपने उत्कृष्टता को प्राप्त होती है।